तो दोस्तों फाइनली एक बार फिर से न्यू लोन एप्लीकेशन लेकर आ चुका हूं। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिए, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैक्सिमम वीडियो लाइव विद प्रूफ पेमेंट के साथ हमेशा वीडियो मैं लाते रहता हूं। आज इस एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाले हैं, बहुत ही कमाल का एप्लीकेशन ये होने वाली है। ये ऑल ओवर इंडिया में एप्लीकेशन वर्क करती है सिर्फ आधार पैन के साथ। कैसे एप्लीकेशन के ऊपर लोन के लिए अप्लाई करना है सारे डिटेल के साथ आपको बताऊंगा वीडियो में जाने के बाद ही, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करूंगा शुरू से लेकर अंत तक एक बार देख लीजिए, उसके बाद ही लोन के लिए अप्लाई करिएगा। दोस्तों मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं टेक एंड ऑनलाइन सॉल्यूशन में आपका स्वागत करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आने पे वीडियो को करिएगा लाइक, हमारे चैनल पे पहली बार आया तो करिएगा चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो के लिए नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों फाइनली आ चुके हैं मोबाइल फोन के स्क्रीन पर, तो आपसे रिक्वेस्ट ही करूंगा शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिए, उसके बाद ही लोन के लिए अप्लाई करिएगा। जिस भी एप्लीकेशन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं उस एप्लीकेशन के बारे में डिटेल के साथ बताऊंगा कि एप्लीकेशन ये किस तरह से वर्क करती है और किस तरह से हमें लोन के लिए अप्लाई करना है डिटेल में आपको बताऊंगा। वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों फाइनली जिस एप्लीकेशन के बारे में आज हम बात करेंगे उस एप्लीकेशन का नाम है कैश हेयर, जो कि इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप के जरिए से लोन ले पाएंगे। हालांकि ये न्यू लोन एप्लीकेशन है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से एप्लीकेशन ये वर्क करती है। दोस्तों जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, यहां पर मिनिमम 3,000 रुपए से लेकर मैक्सिमम 50,000 रुपए लोन देने की दावा करती है। साथ साथ यहां पर आपको मिनिमम 3 मंथ से लेकर मैक्सिमम 20 मंथ तक आपको लोन टर्म आपको देखने के लिए मिलेगा। साथ साथ हम बात करें यहां पर इंटरेस्ट रेट के बारे में, तो आपको पर एनम आपको यहां पर देने पड़ेंगे 10% चार्ज, जैसा कि इन्होंने बता कर रखा है। साथ साथ यहां पर रिक्वायरमेंट होगी आपकी सिविल भी, यानी सिविल भी आपके अच्छे खासे होनी चाहिए, अप्रोक्स आप रख सकते हैं 700 से ऊपर। दोस्तों जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, यहां पर देख पाएंगे RBI के साथ रजिस्टर्ड है, यानी NBFC द्वारा ये लोन फाइनेंस कराई जा रही है। जो कंपनी फाइनेंस कराने वाली है ये है कैमेक्स इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, इसके द्वारा आप यहां पर पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। साथ साथ मैं आपको बता दूं यहां पर आपको अप्रूवल 30 मिनट के अप्रोक्स में आपको मिल जाती है। साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, ये लोन सर्विस ऑल ओवर इंडिया में देते हैं जैसा कि इन्होंने बता के रखा है। लोन अप्लाई करने से पहले आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए इसके बारे में भी पहले समझ लीजिए। इंडियन सिटीजन होना बहुत जरूरी है, साथ साथ आपकी एज 21 साल से लेकर 56 साल आपकी एज होनी चाहिए और मंथली इनकम का स्रोत तो होना ही चाहिए, तो ही आप इस एप्लीकेशन द्वारा लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों यहां पर बात आती है कि किस तरह से एप्लीकेशन के ऊपर रजिस्टर्ड करेंगे, यानी लोन एप्लीकेशन के ऊपर लोन अप्लाई करेंगे, तो सारी डिटेल के साथ आपको बताऊंगा वीडियो में हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैक्सिमम वीडियो स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाता है। दोस्तों अब यहां पर बात आते हैं किस तरह से एप्लीकेशन ये वर्क करती है या फिर किस तरह से एप्लीकेशन के ऊपर हमें लोन के लिए अप्लाई करना है, किस तरह से रजिस्टर्ड करेंगे, सारी डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाले हैं, वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है या फिर क्वेरी करना चाहते हो तो ईमेल के जरिए से आप सपोर्ट ले सकते हैं। चलिए डिटेल में हम आपको बताएंगे किस तरह से एप्लीकेशन ये वर्क करती है। ये है कैश हेयर सेफ लोन, गेट हेयर इजी एंड फास्ट। इस एप्लीकेशन को आपको सिंपली आपको प्ले स्टोर के अंदर से आपको डाउनलोड कर लेना है, या फिर एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे दूंगा। फिलहाल एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल यहां पर कर लेना है। बात कर लेते हैं रेटिंग की, तो यहां पर 4.4 की रेटिंग आपको मिल जाएगी। साथ साथ यहां पर देख पाएंगे 10,000 से ऊपर इनके डाउनलोडेड है, ताकि एप्लीकेशन ये कमाल का एप्लीकेशन अच्छे खासे रिव्यू भी देखने के लिए मिलेंगे। तो दोस्तों फिलहाल एप्लीकेशन को यहाँ पर मैं ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से आपको एप्लीकेशन के डैशबोर्ड में देखने के लिए मिलेगा, जिसमें कि आपको यहाँ पर परमिशन देने होंगी। परमिशन देने के लिए आपको कैमरा, लोकेशन, डिवाइस, स्टोरेज, कॉन्टैक्ट और इंस्टॉल एप्लीकेशन के लिए परमिशन देने होगा। जानकारी के लिए मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म कंडीशन एक बार बहुत अच्छे से रीड कर लीजिए, उसके बाद नीचे से आई एग्री वाले बटन के ऊपर सिंपल क्लिक कर लेना है। परमिशन देने के लिए आपको कुछ इस तरह से अलाउ कर देनी है, जिसके जरिए से आप परमिशन दे पाएंगे। दोस्तों एप्लीकेशन के डैशबोर्ड में यहाँ पर देख पाएंगे मैक्सिमम लिमिट यहाँ पर 10,000 रुपए दिखाई जा रही है, और ये 10,000 रुपए लेने के लिए हमें क्या करना होगा आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। वीडियो दोस्तों बिल्कुल भी स्किप करके नहीं देखें। सबसे पहले फॉर्म फिलअप करेंगे, उसके बाद सबमिट करेंगे, एवेल्यूट होगी कि आपको लोन लिमिट्स कितनी मिलनी चाहिए। अगर कोई लिमिट्स मिलती है तो लोन एग्रीमेंट आपको यहां पर दोस्तों साइन करना होगा। हो सकता है इनकेस आपके पास वेरिफिकेशन कॉल भी आएगी, उसके बाद अपने बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट इंस्टेंट क्रेडिट कर पाएंगे। हालांकि ये न्यू लोन एप्लीकेशन है, पूरे भारत में वर्क करती है। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको मिल जाएगी, वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों 10,000 रुपए लेने के लिए आपको करना क्या है, अप्लाई वाले बटन के ऊपर सिंपल क्लिक कर लेना है। यहाँ अपना एक मोबाइल नंबर डालिए, गेट ओटीपी के जरिए से ओटीपी कोड फिलअप करिए और नीचे से लॉगिन करिए। दोस्तों एप्लीकेशन का इंटरफेस आप देख पाएंगे, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले देने होंगे, और जानकारी के लिए मैं आपको यह भी बता दूं ये 5 स्टेप में एप्लीकेशन ये कंप्लीट होगी। चलिए बात करते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपको क्या क्या डिटेल भरना है। आपका आधार कार्ड में जो भी फर्स्ट नेम होगा, मिडिल नेम, लास्ट नेम डालिए, जेंडर सेलेक्ट करिए, डेट ऑफ बर्थ बताइए, साथ साथ एक वैलिड ईमेल आईडी दीजिए, एजुकेशनल डिटेल बताइए और मैरिटल स्टेटस आपको बताना होगा। साथ साथ यहाँ पे कम्युनिकेशन लैंग्वेज बतानी होगी, आप किस लैंग्वेज में अच्छे से बात कर लेते हैं, उसके बाद नीचे से कंटिन्यू कर लेंगे। दोस्तों ये है नेक्स्ट
स्टेप जिसमें कि आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट्स आपको फिलअप करने होंगे, जिसमें कि आप यहाँ पर पैन कार्ड नंबर डालेंगे, लिविंग एड्रेस बताना होगा, साथ साथ यहाँ पर एक सेल्फी लेनी होगी, पैन कार्ड का फ्रंट और बैक कॉपी आपको अपलोड करने होंगे, साथ साथ आधार कार्ड का फ्रंट और बैक कॉपी आपको अपलोड करना होगा और नीचे से कंटिन्यू कर लेना है। दोस्तों आप यहाँ पर बात आते हैं थर्ड स्टेप में, इनकम इन्फॉर्मेशन सेट करना होगा कि आपकी मंथली इनकम क्या है वो अपने हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। फैमिली इनकम आपको यहाँ पर बतानी होगी, फैमिली इनकम क्या है वो सिलेक्ट करेंगे। साथ साथ यहाँ पर करियर या फिर एम्प्लॉयमेंट टाइप बताएंगे कि आप किस तरह का वर्क करते हैं, सैलरीड पर्सन या फिर सेल्फ एम्प्लॉय। यहाँ पर आपको किस डेट को आपको सैलरी आती है, मंथली आती है या फिर वीकली, अपने हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। दोस्तों आप पेमेंट किस तरह से रिसीव करते हैं अपने हिसाब से आपको बतानी होगी, कैश या बैंक ट्रांसफर या यूपीआई के जरिए से वो सिलेक्ट करिए और नीचे से कंटिन्यू करिए। दोस्तों यहाँ पर बात आती है कि आप किस तरह से पेमेंट रिसीव करते हैं, कैश या फिर बैंक ट्रांसफर या यूपीआई के जरिए से रिसीव करते हैं या फिर कोई ऑर्डर है तो ऑर्डर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों साथ ही साथ यहाँ पर जॉब डिस्क्रिप्शन देने होंगे कि आपका पोस्ट क्या है, उसके बाद नीचे से कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको फोर स्टेप में कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देना होगा, यानी दो रेफरेंस कॉन्टैक्ट नंबर आपको देने होंगे, इसके जरिए से आप इस एप्लीकेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर पाएंगे। दोस्तों फाइव स्टेप में आप यहाँ पर देख पाएंगे आपसे बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन पूछे जाते हैं, जिसमें भी आप लोन अमाउंट क्रेडिट करना चाहते हैं, बैंक अकाउंट नेम आपको बताने होंगे किस बैंक में आप लोन लेना चाहते हैं, बैंक अकाउंट नंबर बताइए, कंफर्म करिए अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स और साथ साथ यहाँ पर आईएफएससी कोड डाल सकते हैं, यहाँ पर यूपीआई डालना चाहते तो डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल, इसे छोड़ भी सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली एप्लीकेशन ये स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर देख पाएंगे गेट क्रेडिट के ऊपर आपको सिंपल क्लिक कर लेना और स्क्रीन के सामने देख पाएंगे फिलहाल ये प्रोसेसिंग चल रही है, इसके जरिए से आपको पता चल जाएगा कि आपको लिमिट्स कितने मिलनी चाहिए। तो दोस्तों फाइनली स्क्रीन के सामने देख पाएंगे यहाँ पर लोन लिमिट हमें मिली है 1000 रुपए की, जैसा कि स्क्रीन के सामने देख पाएंगे। मंथली इंटरेस्ट रेट आपको यहाँ पर 3% आपको देने होंगे, यहाँ पर मैक्सिमम 10 और 15 दिनों का दिखाया जा रहा है, साथ साथ यहाँ पर लोन अमाउंट आपको जो भी होंगे 1000 रुपए लोन को रिपेमेंट करना होगा, ये भी आप अच्छे से समझ लीजिए। इस लोन को लेने के लिए आपको करना क्या है, अप्लाई लोन के ऊपर सिंपल क्लिक कर लेना है, एक बार लोन इन्फॉर्मेशन डिटेल एक बार जरूर चेकआउट कर ले लोन अप्लाई करने से पहले। यहाँ पर देख पाएंगे 1000 रुपए की लिमिट है, लोन टर्म यहाँ पर 15 दिनों का है, साथ साथ यहाँ पर बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगा और इंटरेस्ट एंड फी की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 15 रुपए इंटरेस्ट रेट आपको देनी होगी। यहाँ पर देख पाएंगे वन टाइम बोर्डिंग फी आपसे 80 रुपए लिए जा रहे हैं, क्रेडिट असाइनमेंट फी 50 रुपए, प्रोसेसिंग फी 130 रुपए और जीएसटी 18% यहाँ पर देने होंगे जो कि 46 रुपए होंगे, जिसमें कि यहाँ पर 46 रुपए देने होंगे आपके। यहाँ पर देख पाएंगे डिसबर्समेंट अमाउंट जो है आपके खाते में आएंगे 678 रुपए कुछ पैसे और पेमेंट डेट यहाँ पर देख पाएंगे 21 अगस्त को लोन को रिपेमेंट करना होगा 2020 में। तो आपको यहाँ पर लोन एग्रीमेंट आपको एक बार जरूर चेक कर लेना है लोन अप्लाई करने से पहले। हालांकि न्यू लोन एप्लीकेशन है, डिटेल बाय डिटेल मैंने आपको बता दिया किस तरह से एप्लीकेशन ये वर्क करती है, ऑल ओवर इंडिया में वर्क करती है सिर्फ आधार पैन के साथ, कोई भी यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट या फिर सैलरी स्लिप देने की जरूरत नहीं पड़ती है। लोन लेने के लिए लोन अप्लाई के ऊपर सिंपल क्लिक कर लेना। तो दोस्तों स्क्रीन के सामने देख पाएंगे फाइनली एप्लीकेशन सबमिट प्रॉपर तरीके से हो चुका है, मैंने सारे डिटेल के साथ बता दिया। अब यहाँ पर दोस्तों ऑडिट होगी, हो सकता है आपके पास कॉल वेरिफिकेशन भी आ सकता है, तो आप इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर वेट करना होगा अप्रूवल के लिए, जैसे मुझे अप्रूवल मिल जाती है ऑटोमेटिक हमारे बैंक खाते में इंस्टेंट लोन अमाउंट क्रिएट हो जाने वाले हैं। तो इस तरह से एप्लीकेशन ये वर्क करती है, हालांकि यहाँ पर कोई भी अप्रूवल नहीं मिली है। तो दोस्तों वन टाइम्स के लिए आपको वेरिफिकेशन कराना ही होगा, हो सकता है रेफरेंस नंबर के ऊपर कॉल जाए वेरिफिकेशन के लिए या फिर आपके पास कॉल आ सकता है, आपको वेरिफिकेशन करानी होगी नाम डेट ऑफ बर्थ वगैरह बताने के बाद, इस तरह से एप्लीकेशन ये वर्क करती है। तो दोस्तों जैसे यहाँ पर अप्रूवल हमें मिलती है हमारे लोन अमाउंट बैंक खाते में इंस्टेंट क्रेडिट हो जाएंगे, इस तरह से एप्लीकेशन ये वर्क करती है। हालांकि न्यू लोन एप्लीकेशन है तो दोस्तों ये पूरे भारत में लोन एप्लीकेशन ये वर्क करती है, आप यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ आधार पैन के साथ। दोस्तों मैंने ऐसे बहुत सारे लोन एप्लीकेशन के ऊपर वीडियो बनाया जिसमें कि लाइव विद प्रूफ पेमेंट के साथ बताया है कि कौन से एप्लीकेशन लॉकडाउन में वर्क कर रही है और कौन कौन से एप्लीकेशन है जो ईएमआई बेस के ऊपर लोन सर्विस देती है और कौन से एप्लीकेशन ऐसा है जिसमें कि आपको मैक्सिमम लोन टर्म आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन पार्ट में वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैक्सिमम वीडियो लाइव विद प्रूफ पेमेंट के साथ हमेशा वीडियो मैं लाते रहता हूँ।